Long time, good evening. Yeah, I am telling good evening because it is around. I hope इसमें तो आपको दिख रहा होगा यार, इसमें तो सब कुछ होता है. हाँ, बढ़िया है, कुछ चेंज दिख रहा है आप लोगों को. खैर, whatever, it is 7:10 in evening and today's date is today's date is 8th of August 2018 and I'm starting this vlog little bit low. I mean, I'm do in energetic way, but I feel low from inside. I don't know why. So me and my friends are going hang out at McDonald's. I'm not probably going to vlog over there because सबको पता है यार, दोस्तों को ये vlogging वाला stuff नहीं पसंद है. Still, I am trying my best. And the thing, आज के vlog में मतलब कि आज जो ये vlog है उसमें मैं बात करने वाला हूँ something good and something bad के बारे में. And don't go over there. It is called the engineer's room. So अगर engineer के room में mesh नहीं होता है तो वो engineer room नहीं कहलाता है. So that's the case with my room. And first of all guys, let me know the quality of this this camera because I want to know कि भाई किस तरीके से quality वगैरह आ रही है. And the second thing is कि जो मेरी वेब टॉक थी उसके लेके आगे क्या प्लान है. कोई ट्रिप व्रिप कुछ प्लान कर रहा हूँ स्टडी के सिलसिले में. मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 months की मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है. सो इट इज़ रियली नीडेड दैट आई नीड टू यू नो राइज माई प्रेजेंट दैट येस आई एम स्टिल अलाइव एंड दिस इज द व्लॉग चैनल. सो व्लॉग तो आने वाले है. मैकबुक के साथ ट्रेजेडी हुई. मैं आप लोगों ने मेरा मैकबुक वाला वीडियो देखा होगा. सो मैकबुक में क्या ट्रेजेडी हुई वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो इट इज़ मतलब खाना भी दिखाने की कोशिश करूंगा. मतलब एक फूड व्लॉगिंग करने की कोशिश करूंगा इस बार क्योंकि एक बढ़िया सी जगह है मेरे पास जिसकी मैं शोकेसिंग करना चाहता हूँ. उसने मेरे को पैसे वैसे वगैरह कुछ नहीं दिए बट आई फाउंड दैट प्लेस वेरी गुड. सो आई थिंक कि उसका प्रमोशन है वो जायज़ है. सो लेट्स सी उसका क्या हो पाता है. एंड यार बताइए आगे पबजी खेलते हैं कुछ आप लोग बताओ. पबजी खेलते हैं नहीं और काफ़ी बोलना हो गया. अभी मेरे को जाना है. माय फ्रेंड इज वेटिंग डाउन साइड. सो या बाय. Okay, so many of you know, first of all, sorry for my voice because I'm passing through some cough and cold. And the thing is, many of you know that I recently bought iPhone 8. And the thing, why I bought iPhone 8? I mean, why not go for iPhone 10 and why not for upcoming iPhone and all this stuff? The thing is, guys, that I don't like, first of all, the price of iPhone 10. Second thing is really the, you know, major thing for me that I not like the face unlock feature. I mean, I'm not a security guy. I mean, मेरे को ऐसा नहीं कि अपने फ़ोन की सिक्योरिटी टॉप लेवल की थी. इट्स फाइन, मैं अपने पुराने फ़ोन में लॉक ही नहीं रखता था. जस्ट सिंपल लॉक अनलॉक करो स्क्रीन डायरेक्ट हो जाती. बट इसमें फिंगरप्रिंट है सो चलता है. एंड द थर्ड थिंग इज़ आई एम नॉट अ बिग फोन पर्सन. मुझे फ़ोन है ना स्मॉल छोटे पसंद है. आई मीन फॉर सम ऑफ यू इट इज़ गुड, फॉर सम ऑफ पर्सन इट इज़ नॉट गुड. एंड माई थॉट रिलेटेड द फोन इज़ कि जो फ़ोन है ना उसको फ़ोन रहने दो यार. मतलब आज देखो सैमसंग ने लॉन्च किया अपना 6.4 inch का गैलेक्सी नोट 9. मतलब बड़ा आईफोन अभी बात आ रही है कि 6.1 inch का आईफोन आएगा. तो यार फ़ोन होता है मैक्सिमम 5 inch की स्क्रीन साइज आइडियल रहती है. और अब तो डिस्प्ले भी 8:2 inch हो गया है. सो इतना बड़ा फ़ोन करके क्या करना है. सो द मेन फ़ोन जो है फॉर्म फैक्टर है आईफोन 8 का वो आइडियल उसकी स्क्रीन साइज़ है. बढ़िया प्रोसेसर सब कुछ बढ़िया और एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है. सो या दैट्स व्हाई आई बॉट आईफोन 8. सो एक छोटी सी न्यूज़ देनी थी. और फिलहाल मैं भी वॉक कर रहा हूँ. मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए. और फिलहाल तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पे.
मंडे से मिड है, आपको वीडियो बना के देना है, सबको एप्लीकेशन बना के देनी है, मिड की प्रिपरेशन करनी है। एक लड़का यार करे तो कितना करे, बट या दैट्स द क्विक अपडेट। और कुछ बातें करनी है जो कल करेंगे, कि भाई जो यूट्यूबर लोग हैं वो रिव्यू का एक बहुत बड़ा पंगा हो गया, मतलब क्या रिव्यू वगैरह जो भी स्टफ है वो, सो वो हम कल बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो टाइम है, रात के बजे है 1 और मेरे को सोना है। सो या गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। चीज़ चल रही है मतलब यूट्यूब पे, द थिंग विच आई नॉट लाइक, कि जो रिव्यूअर होते हैं कोई भी टेक्निकल चीज़ का रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो अपने जो है थॉट्स उस पर यूट्यूब पे रखते हैं, सो द कस्टमर कैन गेट द आइडिया रिलेटेड द प्रोडक्ट। बट कोई भी कंपनी का रिव्यू का प्रोसेस क्या होता है, कि भाई कंपनी जो उसको अनबॉक्स करने के लिए डिवाइस भेजती है, उसके बाद जो है उसको एक डेढ़ महीना जो है यूज़ करते हैं डिवाइस को, और फिर अपना इनिशियल थॉट्स देता है उसके रिलेटेड, कि भाई क्या है डिवाइस, किस तरीके से। दैट्स फाइन, टोटली फाइन। मैं भी एक टेक यूट्यूबर था, मैं भी एक टेक्निकल गाय हूँ, मुझे सारी की सारी चीज़ें पता रहती है कि क्या किस तरीके से होता है। बट ये जो प्रोसेस है कि विद इन अ मंथ किसी भी चीज़ का रिव्यू देना, दैट्स नॉट द फेयर, बिकॉज एज अ कस्टमर हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ऐसे नहीं कि हम उसको एक महीने में चेंज करने वाले हैं, वी बॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो वो जो बंदा रिव्यू देता है वो सिर्फ एक डेढ़ महीने अपने एक्सपीरियंस, अपने एक डेढ़ महीने के एक्सपीरियंस है जो है उस चीज़ का रिव्यू देता है, और हमें उस चीज़ को एक डेढ़ साल तक यूज़ करना है। आई मीन इट्स टोटली अप टू यू दैट वेन यू गोना चेंज योर डिवाइस, आई मीन अपग्रेड योर डिवाइस और वॉट एवर द स्टफ यू वॉन्ट टू डू। बट द थिंग इज कि जो एक्चुअल रिव्यू प्रोसेस होनी चाहिए वो कि भाई एक साल आप डिवाइस को यूज़ करो, एट द एंड वो कैसा परफॉर्म करता है, तब जाके जो है उसका रिव्यू लाइक मैटर करता है। बट उसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि एक साल बाद फिर से कोई नई प्रोडक्ट आ जाएगी, तो एक साल बाद वो कोई बंदा रिव्यू करेगा कोई प्रोडक्ट का, तो कोई जो कस्टमर होगा वो थोड़ी ना एक साल पुरानी चीज खरीदने वाला है, वो तो नई चीज खरीदने वाला है ना। आई मीन आई होप दैट यू गॉट द सेंस कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जो पूरा रिव्यू का फंडा है ना, दैट्स नॉट द प्रॉपर थिंग। एंड मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है ना, लाइक अपने स्पेसिफिकेशन देख लो, उस बजट रेंज में कौन सा बढ़िया स्पेसिफिकेशन दे रहा है, एंड बस वो चीज़ ले लो। दैट्स द क्विक थिंग देन यू कैन डू विद द डिवाइस। क्या आप लोगों को चाट पसंद है? चाट मतलब जो आलू चाट होती है, या फिर छोले कुलचे, या फिर छोले भटूरे वगैरह। आई फाउंड अ प्लेस इन राजकोट, एंड इफ यू बिलोंग फ्रॉम राजकोट देन इट इज़ अ मस्ट ट्राई प्लेस। यू कैन यू नो गो विथ योर फैमिली, गो विथ योर फ्रेंड एंड ग्रैब द फूड एंड एन्जॉय। आई मीन सीरियसली, जो मथुरा वाले, आई एम सॉरी टू से आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द शॉप, बट ब्रिजवासी चाट वाले ऐसा करके है कुछ, मथुरा से आए हैं। और गाइस द वे दे मेक द फूड, वहाँ का फूड है दोस्तों आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी मैं जा रहा हूँ उधर और आपको दिखाता हूँ मेरी जो वहाँ की दो फेवरेट चीज़ें वो, आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। सो या लेट्स गो, चलते हैं। और काफ़ी टाइम से फूड इंक्लूड नहीं किया था वीडियो में, सो हियर इज द फूड, एंजॉय।
एंड या दिस मे बी लास्ट शॉर्ट ऑफ माई ब्लॉग एंड एट द एंड ऑफ द ब्लॉग मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ मेरे मैकबुक के साथ क्या हुआ. टूडेज डेट इज 10th of August 2018. 9th of August को मेरे मैकबुक की वारंटी जो है खत्म हो गई. कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी. अब मेरे को एकदम यू नो फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे अपने मैकबुक के साथ. सो तो बेसिकली हुआ है कि 2nd of June को मैंने अपना मैकबुक दिया था सर्विस में. सर्विस में क्यों दिया था, थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ सो मेरी स्पीड को कैचअप कर लेना. मेरे मैकबुक में इश्यू थे, थोड़ी सी हिंज जो है मेरी लूज थी, जो यूएसबी टाइप के पोर्ट टाइप सी के जो पोर्ट थे वो थोड़े से लूज थे. बैटरी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी और मेन इश्यू कीबोर्ड का था. ये 4 इश्यू बोले उसमें से मेन इशू मेरा कीबोर्ड का ही था, पर मैंने बाकी 3 इशू एड ऑन कर दिए थे. तो मैंने सोचा क्या अगर कुछ हो जाता है तो नई चीज़ मिल जाती है, मतलब रिप्लेस हो जाएगा पार्ट. एप्पल की पॉलिसी है कि अगर कोई भी चीज़ बिगड़ती है तो उसको वो रिपेयर नहीं करते, सीधा उस जो है पर्टिकुलरली पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं. सो 2nd of June को मैंने अपना जो है मैकबुक दिया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम लोग कर रहे हैं, पार्ट नहीं आए या फिर 2 पार्ट ऑर्डर किए हैं तो आने में वक्त लगता है. जब पार्ट आ गए तो उसके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं थे. बेसिकली मैं बता दे रही हूँ कि मेरी लैपटॉप में क्या क्या चेंजेस हुए. जो हिंज है वो अलग से नहीं आती, पूरी जो स्क्रीन है वही हिंज के साथ अटैच हो गया थी, तो मेरी पूरी पूरी स्क्रीन चेंज हो गई है. और कीबोर्ड का इश्यू था तो कीबोर्ड को कोई सेपरेट करके रिपेयर नहीं किया जाता. मदरबोर्ड के अलावा पूरा उसका नीचे का बॉटम केस बोलते हैं उसमें होते हैं बैटरी, टच बार, कीबोर्ड, पोर्ट्स, सारे के सारे. अब मान लीजिए ना मदरबोर्ड और एंटेना बैंड को छोड़ के सारी की सारी चीज़ें जो है रिप्लेस हो गई है मेरी. सो तब की बात करूँ तो मेरा सिर्फ मदरबोर्ड और एंटेना बैंड जो 2 चीज वैसे की वैसे थी, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है चेंज. एंड देन फिर मैं आया 22 जुलाई को यहाँ पे राजकोट, और यहाँ पे राजकोट आके मैंने चेक किया कि मैं देखता हूँ कि मेरा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा. जैसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो मेरे को बोलता है कि योर राउटर इज़ फार फ्रॉम योर डिवाइस सो प्लीज़ मूव क्लोजर टू कनेक्ट इट. तो मैं वहाँ पे गया और मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, इनवैलिड पासवर्ड दिखा रहा था, पासवर्ड भी नहीं हो रहा था. मैंने सोचा कि चलो राउटर का कुछ प्रॉब्लम होगा, राउटर वाले भैया को बोला है, सारा का सारा काम रीसेट किया बट फिर भी वही प्रॉब्लम. फिर जगह मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं जो मेरे लैपटॉप में इशू है. सो मैं गया लैपटॉप वाले के पास, भाई देखो ये इश्यू है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता. मैंने बोला आप ही देख लो, तो उन्होंने देखा कि भाई एक राउटर के नजदीक मैंने कितना एकदम लाइक अपने लैपटॉप को राउटर से टच करके रखना, तब जाके चीज हुई थी. बट जैसे वो थोड़ा दूर जाते लाइक उसका जो वहां पे वेटिंग एरिया होता है लाउंज वाला, वहां पे जाके कोशिश की तो नहीं हुआ. तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई इशू तो है, हम लोग को देखना पड़ेगा. तो उन लोगों ने ओपन करके देखा तो एंटेना में एक एंटेना के वायर में एक छोटी सी ब्लैक कलर की इतनी सी छोटी कैप आती है वो नहीं थी, उसकी वजह से ये पूरा इशू हो रहा था. तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, अंडर वारंटी है, आप जो है चेंज करके दे दो. तो उन्होंने बोला मेरे को सीनियर को पूछना पड़ेगा. तो मैंने बोला हाँ पूछ लो, सॉरी इट्स गोइंग बिट इन अ फनी वे. तो उन्होंने पूछा कि ये इश्यू है तो क्या किया जाए. तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो चीज़ आउट ऑफ वारंटी है, फिजिकल डैमेज है. जबकि मैं मैकबुक के अंदर जाके कुछ चेंज नहीं करता, उसका प्रॉपर्टी स्क्रू वगैरह था, और मेरे को ऐसा कोई भी शौक नहीं कि मैं अपने मैकबुक के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करूं. तो मैंने भावनगर को फ़ोन किया कि भाई भावनगर के सर्विस सेंटर को कि भाई आपके पास से मैंने जो लिया था उसके बाद मैं ये इशू फेस कर रहा हूं. सो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता ये जो भी चीज़ थी. फिर मैंने साथ साथ में एप्पल के सीनियर लेवल जो है उन लोगों को कॉल किया कि भाई ये पूरा इशू है तो क्या किया जाए इसमें. तो उन्होंने बोला चलो देखते देखते फिर उन हमारी मेरी सीनियर लेवल और यहाँ के राजकोट के सर्विस सेंटर और भावनगर सभी के कॉन्फ्रेंस कॉल हुए. बहुत मशक्कत हुई, मतलब लाइक 15-20 दिन चले गए इस चीज़ में कि भाई इस चीज़ को अंडर वारंटी कैसे ले, क्योंकि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं था. उन्होंने शायद राजकोट वाले का फॉल्ट हो सकता है, शायद भावनगर वाले का, आई डोंट नो. क्योंकि द थिंग इज कि भावनगर से मैं तुरंत लैपटॉप लेकर राजकोट निकल गया था. सो आई डोंट नो कि तब मैंने चेक नहीं किया था कि भाई चलो ये वाईफाई का इशू क्या आ रहा है, क्या चीज़ है ये वगैरह वगैरह. सो मतलब जो भी था फाइनली जो है सब कुछ ठीक हो गया. नया एंटरटेनमेंट डाल दिया है उन लोगों ने एंड राइट नाउ इट इज़ वर्क फाइन सीमलेसली. एंड आई होप फिंगर क्रॉस्ड कि इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एप्पल की सर्विस काफ़ी महंगी होती है. That's it for this video guys. If you like this video, make sure to give this video a big fat thumbs up. I know vlog थोड़ा सा और interesting बनाने की कोशिश करूंगा. Next time कुछ घूमने घूमने चाहूंगा. So definitely I will try my do my best. Till the next vlog guys, be happy, always smile, take care and bye bye guys.